सभी दोस्तों को जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या के राम मंदिर का भव्य उद्घाटन दिवस सभी उम्मीदों से बढ़कर एक हर्षोल्लास उत्सव में बदल गया, जिसने दिवाली की भावना को जनवरी के महीने में जगा दिया। अयोध्या के राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के दिन ने सभी की उम्मीदों को पूरा कर दिया। उस खास मौके पर देश भर में दिवाली मनाई गई। ये एक राष्ट्रीय उत्सव था जिसमें भगवान राम को 500 साल बाद घर मिलने की खुशी जाहिर की गई। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली कोई और नहीं बल्कि 51 इंच की रामलला की मूर्ति थी। सोने से सराबोर और फूलों से सजी इस दिव्य मूर्ति का अनावरण अयोध्या मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले किया गया था। दोस्तों, क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति बदल गई, आंखें बोलने लगी? मूर्ति में हुए इस चमत्कार से सभी हैरान हैं। इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामलला की मूर्ति की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर रामलला की दो छवि शेयर की जा रही है, एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले और दूसरी पूजा के बाद की। मूर्ति में दो फर्क साफ दिख रहा है। गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव जैसे दिखने लगी और उनका बाल मुलायम, मनमोहक मुस्कान भी निखर गया है। आखिर ये चमत्कार क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने नोटिस किया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया? रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने मूर्ति में हुए चमत्कार के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी और राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्हीं ने बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वे 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति के भाव बदल गए और उनकी आंखें जीवित हो गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके मूर्ति में देवत्व का भाव आ गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अयोध्या में रामलला की मूर्ति की आंखें हिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोग इसे AI का कमाल बता रहे हैं तो कुछ इसे चमत्कार भी मान रहे हैं। चलिए अब इस वीडियो का सच आपको बताते हैं। श्री राम जी का ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करके बनाया गया है। इस वीडियो में फोरग्राउंड में रामलला की मूर्ति के साथ मिक्स करके एक ऐसा इफेक्ट बनाया गया है जिसमें ऐसा लगता है कि रामलला की मूर्ति की आंखें हिल रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, रामलला की इस मूर्ति को अरुण योगीराज 7 महीने तक गढ़ रहे थे। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है जिसे कृष्णशिला के नाम से जाना जाता है। इसे कर्नाटक से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का कोई असर नहीं होता है। अगर मूर्ति पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अरुण योगी राज को इस 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच बनाए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जगते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की मूर्ति के स्वरूप में फर्क साफ नजर आ गया। शिल्पकार अरुण योगीराज को भगवान राम खुद देते रहे प्रेरणा। योगीराज की फैमिली पिछले 300 सालों से मूर्तियां बना रही है। उनके पिता योगीराज और दादा भी कुशल शिल्पकार थे। अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी के शिल्पकार अरुण योगीराज बचपन से ही पुश्तैनी कला को सीखते रहे। MBA करने के बाद उन्होंने प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। 2008 के बाद वे मूर्ति कला और शिल्प कला और उनका नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया। उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट पर लगाई गई प्रतिमा को बनाया। इसके अलावा मैसूर में हनुमान जी की मूर्ति, बाबा साहेब अम्बेडकर और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा भी बनाई। एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाने का उनका सौभाग्य है।
शायद भगवान राम चाहते थे कि मूर्ति उनके हाथों ही बने। मूर्ति बनाने के दौरान उन्हें कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि खुद ईश्वर उनसे काम करा रहे हैं। दोस्तों, इस मेहनती मूर्तिकार अरुण योगीराज, जिन्होंने प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति को गढ़ा है, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने प्रभु श्री राम के मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देखा और हम इसके साक्षी बने। दोस्तों, इस मंदिर के बनने के पीछे कई साधु संतों, राम भक्तों और कार सेवकों का बलिदान छिपा हुआ है। इनके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। रहस्यों से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।